और ए मोहम्मद, उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ नियाजें चढ़ाईं तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, और उसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर जुमराए अहले दोजख में हो, और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी, तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को क्यों कर छुपाए। कहने लगा, मैं है मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर